स्टूडेंट्स कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज तुम्हारी चल रही है 3E। 3E का क्वेश्चन है तुम्हारा 9वां। लिखा निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये लिखा 2/√x + 3/√y बराबर 2, और फिर लिखा 4/√x दूसरा समीकरण 9/√y बराबर -1। तो इसको देखिए, इसको मान लेंगे, माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तो यहाँ एक समीकरण, यहाँ दो समीकरण इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + 3b बराबर 2, यहाँ पर दूसरे में हो जाएगा 4a - 9b बराबर -1। यहाँ गुणांक समान कर लेंगे इसके, तो इसमें पहले इसमें गुणा कर दीजिए, कितने का 3 का गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 6a। इस समीकरण में 3 × 3 = 6a + 9b बराबर 6, यहाँ पे 4a - 9b - 1। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 6 × 4 = 10a, 10 से 6 = 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 5/10 यानी कि 1/3 हम कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू आई तुम्हारी 1/2। समीकरण एक में मतलब इस वाले में रख दीजिए, ए बी से संबंधित इसमें रखने, समीकरण किसमें 2a + 3b बराबर 2 ने रखने का, चलो ऐसा लिख दीजिए, तो 2a की वैल्यू 1/2 है, 3b बराबर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3b बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1 ये 1 उस तरफ पहुँच जाएगा, तो 3b बराबर क्या हो जाएगा 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/3, तो b आया इतना, तो a बराबर आया इतना, ए बराबर 1/2 चूंकि ए की वैल्यू क्या मानी थी, 1/√x पुट किया था एक जगह पर 1/2, तो √x बराबर क्या होगा 2, तो वर्ग करने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आया, तो x वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार देखें b बराबर क्या आया तुम्हारा 1/3, तो b की जगह पर क्या रखना है 1/√y बराबर 1/3, तो √y बराबर कैसी गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर करेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। साइज 3f का सवाल है तुम्हारा, सवाल नंबर 30 सवाल दिया है, a + bx + a - by बराबर 2ab, और एक दिया है तुम्हारा समीकरण a + bx और -a - by बराबर ab। इसका तो हल करेंगे, तो इसमें देखेंगे हम ये मिल रहे हैं, तो इसको लिख देंगे घटाने पर, तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे मतलब यहाँ पे देखें तो ये दोनों धन के हो गए, ये धन का हो गया, तो a - b कितने हो जाएगा, a - by, तो 2a - by हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए इससे घट जाएगा, 2ab में से ab घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ab बचेगा यहाँ पे, चलो ab बचेगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा ab/2a - b। देखिए हमने समीकरण एक और समीकरण दो को घटा दिया, तो y की वैल्यू अगर हम जोड़ दें, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर देखें, अगर हम a + bx चलो लिख लें + a - by बराबर क्या, 2ab लिखा है यहाँ पे, a + bx - a - by बराबर क्या लिखा है, ab लिखा है। अगर हम जोड़े पर लिखें तो ये कट रहे हैं दोनों, ये लड़का ये धन का ये लड़का, यहाँ पे बन जाएगा 2a + bx बराबर यहाँ 3ab बन जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी 3ab/2a + b, तो x की वैल्यू आ गई, चाहे पहले जोड़ लो बाद में घटा दो तो एक ही बात है।